और लाइफ में आपका खैर मकदम है। इंदौर में नेशनल शूटिंग नांदेड़ की तलबात हिस्सा लेने रवाना। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम इंदौर में 64वें नेशनल शूटिंग मुकाबलों का इनेकाद किया गया। इन मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए मशहूर कोच सैयद अबरार हुसैन इम्तियाज़ की रहनुमाई में नांदेड़ की होनहार तालिबात की एक टीम इंदौर रवाना हो रही है। इस टीम में सैयदा तैबा सदफ, सैयद शकील, अनशरा तजवीद, गुलाम मोहम्मद सादिक, सलवा फातिमा, हैदर हुसैन ज़मींदार, अमरीन फातिमा, मोहम्मद जुनेद शरीफ भी शामिल है। इस टीम को नेक ख्वाहिशात पेश करने वालों में ज़िला कलेक्टर अरुण डोंगरे, म्यूनसिपल कमिश्नर लहू राज माली, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद सादिक, एनसीपी के रऊफ ज़मींदार सैयद शकीब वगैरह शामिल है। फोर्थ नेशनल शूटिंग कंपटीशन जो कि इंदौर में होने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 4 गर्ल्स क्वालिफाई हुए हैं नांदेड़ से, जो कि CBSE बोर्ड को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेशनल गेम्स होने जा रहे हैं। 15 दिसंबर से 19 दिसंबर को ये टूर्नामेंट मुनक्किद किए जाएंगे, जिसमें इंडिया के सभी स्टेट्स और IGCSE, CBSE, DAV ये स्कूल्स इसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं। मैं आफरीन फातिमा, आई वुड लाइक टू थैंक अल्लाह सुबहान ताला कि उन्होंने हमें काबिल समझा कि हम नेशनल के लिए जा रहे हैं। हम लोग ने बहुत मेहनत की है इसके लिए, तब जाके क्वालिफाई हो पाए हैं। लास्ट ईयर भी हम लोग ने नेशनल किया था और वहाँ नेशनल खेला था और वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। हमारे सर का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें, उन्होंने भी बहुत प्रैक्टिस ली। नेशनल के लिए हम लोग ने बहुत मेहनत की है और उम्मीद है कि इस बार भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे।